बाद जय सिंह दरबार ने इस्तीफा देने की बात कही है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेसियों में दरबार के विरोध के स्वर के तेज होते ही दिखाई दे रहे हैं। जय सिंह दरबार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए हुए पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरबार ने कहा कि कांग्रेसी मेरे नाम को लेकर बौखलाए हुए हैं। अध्यक्ष दीपक बावरिया जी से बात कर इस्तीफा देने की बात उन्होंने रखी है। साथ ही आगे बोलते हुए कहा कि मुझे कोई पद लालसा नहीं है। उल्लेखनीय है कि जय सिंह दरबार कांग्रेस पार्टी में बागी उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े थे, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें बाहर किया था। मगर अचानक वापस दरबार की एंट्री कांग्रेस पार्टी में हो जाती है और विद्युत समिति का सदस्य बनाकर नवाजा जाता है, जिसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी में नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बावरिया से इसकी शिकायत की है। पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को पद से नवाज रही है जो समय पर बागी उम्मीदवार बनकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और विद्युत सलाहकार समिति ने सदस्य बनाया था, तो उस विषय में आपके बीच में आज मुझे चर्चा करने का मौका मिला। मैं सज्जन मीरा का प्रसारण के लिए और बहुत आभारी हूँ। मुझे सदस्य बनाया, मुझे ये बताना इसलिए जरूरी पड़ रहा है कि मैं 2008 में भी 2008 में भी चुनाव लड़ा था, और 2008 में चुनाव इसलिए लड़ा था कि उस वक्त भी मेरा सर्वे में नंबर वन था। मेरे साथ उस वक्त भी अन्याय हुआ था, इसीलिए 2008 में चुनाव लड़ा था, और उसका परिणाम जो भी था वह आपके सबके सामने था। रही बात 2008 के बाद 2009 में, जब तक यहाँ 25 साल में कभी कांग्रेस का सांसद भी बना था, उस वक्त भी मैंने 2009 में कांग्रेस का काम करके और यहाँ पे कांग्रेस का सांसद बना। रही बात 2010 की, ये कमल कांग्रेस के थे, हम कांग्रेसी, मैं बताता हूँ कांग्रेसी। 2010 में जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी जब आए थे, जब काले झंडे बताने के लिए विरोधी पार्टी ने तैयारी करी थी और गुब्बारे में साई भर के तैयारी करी थी, उस वक्त ये कमल कांग्रेसी कहाँ गए थे? जब मैं बताता हूँ, उस वक्त वहां जुना सोमवारे का जब आपस में उस काले धंधे को रोकने का काम हमने करा, वो काले वो सही के गुब्बारा फेंकने का काम हमने करा रोका। अगर उस वक्त पूर्व, लेकिन वो जमानत भी कैसे हुई है आपको मालूम है? कोई पद के कारण जमानत नहीं हुई थी, सबकी जमानत खारिज कर दी गई थी। वहां माननीय वार्ड मेरे मैडम थी मजिस्ट्रेट, जिन्होंने मेरे कागज देखे थे, जिसमें समाज सेवी देखे थे उन्होंने, की इसमें जल पानी के टैंकर मेरी सेवाएं देखी, सब वहां देखा, चरित चिकित्सालय देखा, वाचनालय देखा, व्यायामशाला देखी। जब उन्होंने देखा कि ये तो जनप्रतिनिधि तो ठीक है, समाज सेवी भी, उस वक्त सिर्फ मात्र मेरे को अकेले को जमानत मिली थी, जिसमें हम चार पांच जने के ऊपर केस बना। आज ये कहते हैं कांग्रेसी नहीं, तो कांग्रेसी का मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। और उस वक्त फिर 15 दिन की जमानत होने के बाद मुझे वापिस कोर्ट में खड़ा हुआ, तो मेरा जेल वारंट बना, तो मैं 13 दिन तक जेल में रहा। और कहते हैं कि कांग्रेस ही नहीं, किसी किस कांग्रेस ने ऐसा काम करा हो, जो कि कभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज हमारे कांग्रेस के रहे, इन्हीं के यहाँ कार्यक्रम में जा रहे थे और बीच में यहाँ हादसा हुआ था, जब जाके हमारे ऊपर 307 बनी थी, तो उसमें भी मैं 13 दिन जेल में रह गया। 13 दिन जेल में रहने के बाद मुझे वापिस इस योग्य समझा कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष बनाने के बाद मैंने पूरी जो 7 साल सेवा दी वो सब आपके सामने, जितने भी जो कार्यक्रम हुए वो कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम थे, प्रदेश कार्यक्रम, प्रदेश से कार्यक्रम की कार्यक्रम में त्रुटियां नहीं करी है। आपने देखा होगा, आपके प्रिंट मीडिया में भी छपा था कि 11 से 2 के बीच में धरने हुआ, कि पूरे तहसील में पूरे जिले में धरने देना, 11 ब्ल�क अध्यक्ष थे मेरे अंदर, मैंने 7 ब्लॉकों पे जाके उपस्थिति दी थी 7 तहसील में, और वो भी आपके प्रिंट मीडिया में एक साथ छपे थे 7 फोटो। और ये बताया, सबने पूछा घर बार किस चीज से दौड़े यार, ऐसे 7 जगह पहुंचे आप, 7 ही जगह आपने ज्ञापन दिए और 7 ही जगह उपस्थित हुए। मैंने क्या, मैं मेरी गाड़ी से दौड़ भाग करी, लेकिन मैं 7 जगह उपलब्ध रही, ये मेरी कार्यशैली थी। मेरे कार्यकाल में 2015 में जिला पंचायत के चुनाव हुए, मात्र पूरे संभाग में जिला पंचायत अध्यक्ष बना,
मैंने कांग्रेस होके कांग्रेस में रहकर इतनी तैयारी करी था, जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे महेश परमार। मैंने कमल कांग्रेस रहकर कांग्रेस के पीठ में छुरा नहीं भोंका। मैंने मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने जब भी काम करा कांग्रेस के प्रति मेरी मेहनत पूरी जितना भी उससे बन सका कांग्रेस को मजबूत करा। रही 2015 के बाद और 2013 में विधानसभा का चुनाव आया, मुझे टिकट दिया, मेरी कार्यशैली देख के दिया तो घात में। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, माननीय आदरणीय प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा जी, माननीय आदरणीय बटुशंकर जोशी जी, आप सबके आशीर्वाद से मुझे विद्युत सलाहकार समिति में सदस्य बनाया गया। मैं माननीय सज्जन वर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा था। लेकिन कुछ लोग कमल कांग्रेस ही इसका विरोध कर रहे थे और आज मैं कम से कम लगातार 4 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि बहुत ही विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार हमारी जनता ने भरोसा करके 15 साल में सरकार दी थी और उन्होंने ये कहा सोचा था कि विकास करेंगे उज्जैन शहर में, प्रदेश में विकास करेंगे। लेकिन इस छोटे से कलेज में तो जनता कहने लग गई कि आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं कांग्रेस में। तो मैंने ये सब निर्णय लेके माननीय प्रभारी महोदय से मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि मेरा इस्तीफा मंजूर करें और उन्हें पूरे प्रदेश में काम करना है, विकास करना है, मुख्यमंत्री जी को विकास करना है, पूरे प्रदेश में पूरे ज़िले की समस्या बटुक शंकर जोशी जी को निपटाना है। तो आज वो इस काम में लगे इन छोटे से विवाद में मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। तो मैंने खुद उनसे अनुरोध करा कि मेरा इस्तीफा मंजूर करें और इस पद से मैं इस्तीफा दिया। कमल कांग्रेसी पूरा उज्जैन जानता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं और मैं मेरे मुंह से नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का। मैं ऐसा क्या नाम लेने क्या जाते हैं सर? नहीं, मेरी बात सुनो। अरे कमल कांग्रेस में सब जानते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना ही नहीं चाहता हूँ कि जो ऐसे हों, वो क्या उनकी योग्यता ही नहीं है। ये आप जानते हैं कि 15 साल पहले वो आनंदीलाल जैन साहब को किसने बिठाया था मार्केटिंग अध्यक्ष में, जो आरएसएस के हैं, कट्टर संघ में जाते हैं, उनको किसने बिठाया था? कमल कांग्रेसियों ने तो बिठाया होगा मार्केटिंग अध्यक्ष में, जो आज तक मतलब भंग हो गया उसका स्टे लेके बैठे हुए हैं। कमल कांग्रेस कौन किससे छिपा हुआ, पूरा उज्जैन जानता है और हर आदमी दुखी है। और ज़्यादा हो तो फिर मेरी बात सुनो, आपने देख रखा होगा कि कौन नाराज होकर प्रीति भार्गव जी पूर्व विधायक गई थी, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे कमल कांग्रेस कौन है। व्यक्ति का मेरे मुंह पे नाम लेना नहीं चाहता हूँ। नाम क्या, मैं ऐसे नाम लेके क्यों किसी की और वो करें, क्या करें नाम को? अरे मेयर को तो विद्युत सलाहकार समिति में सदस्य बनाया, करंट तो जनता तक पहुंचाना था तारों में, लेकिन यहाँ तो कमल कांग्रेस में करंट आ गया। जो लोग ऐसा क्या, वो लोग भी कभी ना कभी बाकी रहे कांग्रेस से। मेरी बात सुनो, मैंने बोला है कि जो विरोध कर रहा नहीं वो खुद अपने आईने में झांक के देख ले कि हम कभी बागी रहे कि नहीं, और उनके साथ में भी उनने बिठा रखे वो भी बागी रहे कि नहीं वो भी देख ले उनको। मकसूद विरोध कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं, मैंने कह दिया है कमल कांग्रेस से, इनसे जाके पूछ लें। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आप पार्टी में अभी भी नहीं थे, पार्टी में आपकी वापसी नहीं हुई? नहीं, मेरी वापसी हो गई। कमलनाथ जी ने मुझे बुला के बोला और मुझे लेटर भी मिला और मैंने उस वक्त मीडिया में लेटर छपा था। और आज कांग्रेस का जब मैं काम कर रहे थे होर्डिंग टंगे, तो फिर ये वापसी नहीं कहोगे तो इसको क्या कहोगे आप? जब कमलनाथ जी, जब मैंने लोकसभा के चुनाव, अरे लोकसभा के चुनाव में काम करा था, जब ये कहाँ गए थे? ये तो कोई दिख ही नहीं रहे थे। दीपक बावरिया जी का बयान है कि वापसी, विधिवत वापसी के लिए सत्यनारायण पवार जी ने, वापसी हो गई है कमलनाथ जी ने मेरे से कर दी है। और ये आप बताओ उनसे, बावरिया जी से पूछना नहीं हुई है क्या? वो कह रहे हैं कमलनाथ जी ने कर दी मेरी वापसी। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।